प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए श्री गंगानगर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी जोधपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ए मेघालय, बी असम, सी केरल, डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? ए शारदा लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी कुषाण लिपि, डी टांकरी लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शारदा लिपि। युद्धाचरण पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी ग्वालियर, सी अगरतला, डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ए 1963, बी 1966, सी 1969, डी 1970। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1969। भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? ए बीरहोर, बी कोल, सी संथाल, डी भील। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भील। एलिफेंट की गुंफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी चेर, डी चोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मैसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैसूर। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? ए नारायण, बी जगन्नाथ, सी बावन, डी विट्ठल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विट्ठल। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम जेरूसलम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ए सालेह बाहिद, बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, सी मोहन जस नमली, डी मोहिद्दीन सईद करमुद्दीन। का सही आंसर है ऑप्शन बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। नृत्य रूप लटापत किस नृत्य से संबंधित है? ए कुचिपुड़ी, बी भटनाट्यम, सी ओडिसी, डी कथक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भटनाट्यम। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। तेरहताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी सिक्किम, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म और रीति है?
ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी नागालैंड। का सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? ए बाघ की गुफाएं, बी भज की गुफाएं, सी बेडसा की गुफाएं, डी एलोरा की गुफाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं। निम्नलिखित में क्या नागर, द्राविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? ए ए तीन प्रमुख भाषाएं हैं, बी तीन प्रमुख जातिगत समूह, सी तीन संगीत घराने, डी मंदिर निर्माण की तीन भारतीय सैनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंदिर निर्माण की तीन भारतीय सैनिया। ब्लैक पगोडा किस प्रदेश में है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? ए पुडुचेरी, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। इस्कन की स्थापना कब हुई? ए 1966, बी 1964, सी 1970, डी 1968। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1966। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? ए चालुक्य, बी परमार, सी सिसोदिया, डी प्रतिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिहार। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? ए कंबोडिया, बी लाओस, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड। कोल्लोर निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था? ए पंजाबी, बी गुजराती, सी हरियाणवी, डी बांग्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्ला। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार जंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ए विश्वकर्मा जयंती, बी ज्योतिबा फुले जयंती, सी प्रजापति जयंती, डी परशुराम जयंती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विश्वकर्मा जयंती। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्रोत गाया था? ए कुबेर, बी रावण, सी कपिल, डी विभीषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रावण। निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों को गरीबों की कथकली कहा था? ए भटनाट्यम, बी ओटम थुलाल, सी कोलकली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओटम थुलाल।